सर, इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन भी होता है कि कोचिंग लें या सेल्फ ही पढ़ें। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे जूनियर पूछते हैं, तो मैं यहाँ बताना ये चाहूंगी कि अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, जी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कोचिंग की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे कोचिंग कर लेते हैं, वो रहता है ना कि किसी पर डिपेंडेंट होना। मैं ज्यादा कोचिंग तो बोलूंगी नहीं, लेकिन मैंने सेल्फ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 3rd ईयर से, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी अगर आप सेल्फ पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अगर आप कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो कोचिंग का एक ये बेनिफिट जरूर रहता है कि आप किसी के गाइडेंस के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो कोचिंग भी ले सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें, तो आप कोचिंग पर जा सकते हैं। और अगर आप 3rd ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेल्फ JRF की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। मैंने भी इस पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था, तो मैंने एक वीडियो बनाया कि कोचिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर आईसीआर जेआरएफ एंड एसआरएफ के लिए। ये तो आप जैसे क्या है कि अब दूसरे पे डिपेंडेंट करना चाहते हो तब तो जाना पड़ेगा किसी के द्वार पे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने कंटेंट हमने गाइडेंस के डाले हैं, अगर आप सच में एनालाइज करके और ऑनेस्टली जितना टाइम देना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब देते हो, तो मैं लिख के देता हूँ, मैंने कई सालों से देखा है टॉपर्स जो हमारे चैनल पर आए हैं, लड़के बोलते हैं कि दे टोटली सोलली डिपेंड ऑन द कंटेंट व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड सर, एंड वी डिड ऑनेस्टली हार्ड वर्क एंड राइट नाउ वी आर हियर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप खुद तैयारी कर सकते हो, ज्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंट मत हो, ये मेरा सजेशंस है। ओके, सो थैंक यू आयुषी पालीवाल फॉर गिविंग योर वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन।